पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में हार्ड कंपाती ठंड का कहर जारी है और लगातार गिरते तापमान के कारण लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। चारों ओर बिछी कोहरे की चादर के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है तो बर्फीली पछुआ हवा के कारण ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया और अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ठंड से जनहानि ना हो इसके लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जगह जगह अलाव के साथ ही रैन बसेरों को संचालित कर दिया गया है। सर, ठंड बढ़ती जा रही है, पारा लुढ़कता जा रहा है, टेम्परेचर घटता जा रहा है, ऐसे कंडीशन में प्रशासन की क्या व्यवस्था है अभी तक? माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पे शीतलहर की आमद होते ही हम लोगों को निर्देश कर दिया गया था कि हम लोग नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं के सहयोग से और गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं, स्वयं सहायता समूह या समाजसेवी संस्थाएं जो हैं, समाजसेवी व्यक्ति जो हैं, उनके सहयोग से स्थान स्थान पर रैन बसेरा और अलाव इत्यादि की व्यवस्था करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नगर क्षेत्र में, नगर पालिका सिद्धार्थनगर में इस समय 35 पॉइंट पे हमारे अलाव जो है वो क्रियाशील हैं। आज 2 बिंदुओं पर और बढ़ाने की मांग जो है जन समुदाय से प्राप्त हुई थी, उसके लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा 2 हमारा जिला अस्पताल में और रेलवे स्टेशन पर रैन बसेरा चल रहा है। जैसा कि आप लोग अवगत होंगे, पिछले दिनों स्वयं जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी मीडिया बंधुओं को जो है उपस्थिति में उसका निरीक्षण किया गया था और व्यवस्थाएं चार चौबंद पाई गई थी। साथ ही नगर पंचायत उसका बाजार क्षेत्र में 20 बिंदुओं पर और नगर पंचायत कपिल वस्तु क्षेत्र में 17 बिंदुओं पर एक एक जो है अलाव चल रहा है और इसके अलावा एक एक रैन बसेरा उसका बाजार में रेलवे स्टेशन के करीब में और नगर पंचायत कपिल वस्तु क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक एक रैन बसेरा क्रियाशील है। इसके अतिरिक्त जहाँ से भी जो है जानकारी प्राप्त हो रही है कि यहाँ पे अलाव के पॉइंट बढ़ाने की आवश्यकता है, हम लोग बढ़ा रहे हैं। और मैं मीडिया बंधुओं से भी, आपके माध्यम से, जन समुदाय से भी और आपसे भी अपील करूंगा कि यदि और कहीं आवश्यकता प्रतीत होती है तो उसके बारे में भी हमको अवगत कराएं, जिससे हम लोग इस पे जो है और अलाव या रैन बसेरे की व्यवस्था समय रहते कर सकें। इसके अतिरिक्त एक चीज़ मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगा कि जो भी हमारी गौशालाएँ हैं, हम लोगों ने वहाँ पर भी पशुओं की सुरक्षा के लिए भी, गोवंश की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने अलाव की व्यवस्था कराई। सर, जैसा कि पूर्वानुमान है, मौसम विभाग का कहना है कि अभी पारा और नीचे जाएगा और ठंड और बढ़ेगी, इसके लिए क्या तैयारी? समय रहते कंबल का टेंडर कर लिया गया है, जैसा कि शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं और हम लोग भी चलते समय ध्यान रखते हैं कि कोई अगर गरीब असहाय मिल जाता है तो उसको कंबल उपलब्ध कराएं। इसके अलावा जो है सभी लेखपालों से सूची मांगी गई है कि जो भी असहाय लोग हैं जिनको कंबल की आवश्यकता है उनको कंबल दिया जाए। और इसके अलावा हमने आपको पहले भी बताया, फिर से मैं दोहराता हूँ इस बात को, कि जब भी कभी अलाव के पॉइंट बढ़ाने की बात आएगी या रैन बसेरा जो है बढ़ाने या उसकी क्षमता बढ़ाने की बात आएगी, हम लोग उसके लिए तैयार हैं, तत्पर हैं और तत्काल उसकी व्यवस्था करेंगे। इस संबंध में पूरी तैयारियां हमारी जो है वो ऑन रिकॉर्ड है, हम आपसे शेयर कर देंगे। समझ ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में पारा लुढ़क गया है और लगातार गिरावट दर्ज किया जा रहा है। इस समय हम जनपद सिद्धार्थनगर में आप देख सकते हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल है और जो हिमालय के तलहटी में बसा है, इसीलिए इस क्षेत्र को भी तराई बेल्ट में गिना जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं बाहर कोहरे की चादर बिछी हुई है, चारों तरफ आप देख सकते हैं, ऊपर थोड़ा सा देखेंगे तो कोहरे की चादर बिछी हुई है। हालांकि पछुआ हवा चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सा कम है, लेकिन हाड़ कपाने वाली ठंड इस समय है सिद्धार्थनगर जनपद में। रोड पर विजिबिलिटी कम है, अगर चलना हो तो बड़ा मुश्किल है, लोगों को घर से निकलना बड़ा मुश्किल है। हालांकि प्रशासन की तरफ से प्रमुख जगहों पर अलाव और जो है रैन बसेरा को एक्टिवेट कर दिया गया, अलाव की व्यवस्था करी जा रही है। तमाम जनप्रतिनिधि और तहसील प्रशासन की ओर से जिनको आवश्यकता है उनमें कंबल आदि वितरण भी किया जा रहा है। लेकिन अगर हम मौसम विभाग की बात माने तो आने वाले दिनों में पारा और लुढ़कना है, ठंड और बढ़नी है, ऐसी दशा में प्रशासन की क्या तैयारियां हैं और क्या रणनीति है? अगर ठंडक और बढ़ता है तो निश्चित तौर पर स्थिति और ख़राब होनी है। तो हम जानेंगे प्रशासन से, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, कि उनकी क्या रणनीति है अगर और ठंड बढ़ती है, स्थिति और बदतर होती है। हमारे साथ यहाँ देखिए इस लोकेशन पर कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, इनसे हम जानेंगे कि ठंड का आलम क्या है। क्या नाम है आपका? अच्छा जी, बादशाह जी, यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मुआने मतलब जिले में। ठंड की स्थिति क्या है? बहुत ठंड है, बढ़िया, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, रोड पर दिखता कम है। क्या नाम है आपको भैया? खालिद जी। कहाँ के रहने वाले? इधर बजहा। बजहा, इस समय जो ठंड की स्थिति है क्या आपको लग रहा है? ठंड की स्थिति जो है इस समय ज्यादा ठंडी है, ठंड का मौसम काफी ठंडा है, इधर धूप कम होता है, धूप कम हो रहा है, कई दिनों से धूप कम हो रहा है, पारा लगातार लुढ़क रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है स्थिति। अगर इससे और अगर आज भी अगर हम बात करें, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आज भी जो है अगर देखा जाए तो
मिनिमम जो टेम्परेचर आज रिकॉर्ड किया गया जनपद में 9 डिग्री सेल्सियस और रात में और घट जानी है, तो जाहिर सी बात है स्थिति और ख़राब होनी है और लगातार जो पूर्वानुमान है उसके हिसाब से लगातार ठंड बढ़नी है, तो यानी ठंड की स्थिति बहुत दयनीय है। हालांकि प्रशासन अलाव वगैरह की व्यवस्था किए हुए कर रहे हैं, यानी पब्लिक का कहना है कि ठंड जो है कड़कड़ाती ठंड है, हाड़ कपाती ठंड है, ठंड बेजोड़ है जो लगातार बढ़ रही है, लेकिन प्रशासन की जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं ठीक है, संतोषजनक।